मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम चर्च में आपका स्वागत है। कल हमने जहाँ पे छोड़ा था वहां से आगे चलते हैं। पहले उसी टाइप का सवाल देखो। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए तथा सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए तो डी ने कितने अंक प्राप्त किए, ये बताना है। कल बताया था वैसे ही करना है। कहां से पकड़ना है? पीछे से। क्यों पकड़ना है? क्योंकि डी से आगे चलेंगे तब सही बैठेगा। देखो, ए बी सी और डी चार हो गए। पीछे से चलो, पीछे डी मान लिया मैंने 100, डी 100 हो गया। अब सी ने डी से 20% कम, तो 20% कितना आ जाएगा? कम 80। बी ने सी से 25% अधिक, तो 25% कितना होता है? 1/4, तो मतलब अधिक, तो 20 और जुड़ जाएंगे इसमें कितना आ जाएगा? 100। ए ने बी से 10% कम, तो 10% कम कितना आ जाएगा? 90। ठीक है भाई, यहां तक बैठ गए सब। अब देखो, अब क्या कह रहा है? ए ने 500 में से 360 अंक मिले ए को, यहां पे कितने मिले? 90। 90 बराबर 360, 1/4। पूछा क्या है? डी ने कितने अंक प्राप्त किए? डी को कितने मिले? 100। तो 100 बराबर निकाल दो, बस 100 बराबर 400 हो गया। 1/4 तो 100 बराबर 400। ठीक है भाई, आ गया समझ में? चलो देखो भाई अगला सवाल। अमन का खर्च विमल से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 6,447 है तो अमन का खर्च कितना है, ये बताना है। ठीक है भाई, देखो, अमन को मैंने मान लिया ए, विमल को बी, और कौन है? और रमन आर। ठीक है भाई, अब देखो, अमन का खर्च विमल से कितना है? 30% अधिक है। विमल का अगर 100 है तो इसका कितना हो जाएगा? 130। तथा विमल का खर्च रमन से 10% कम है, तो विमल का खर्च रमन से 10% कम है। अगर रमन का 100 है तो विमल का कितना होगा? 90। ठीक है भाई, देखो, एक जीरो यहां से काटी, एक ये दोनों कट गया और इन दोनों की ये दो जीरो, बस खाली स्थान। देखो, इसका पड़ोसी कौन है? 10। इसका पड़ोसी कौन है? 9। तो 13 × 9 करो 117, 10 × 9 90 और 10 × 10 कितना हो गया? 100। अब तीनों का योग दे रखा है तो तीनों का योग कर दो, 100, 200, 300, 307 बराबर कितना आ जाएगा? 6,447। ठीक है भाई, अब देखो कितनी बार जाएगा? 1/6,447/307। ठीक, अब देखो पूछा किसका है? अमन का, तो अमन का मल्टीप्लाई करा दो इसमें। अमन कितना है? 117। 307 से भाग रहा हो, 307 से भाग रहा है दो बार। चलो बाद में कराते हैं इसका, पहले से निकाल लो। दो बार गया तो कितना बचा? 614। 614 मतलब कितने बचे? 30। 307 हो गया, एक बार जाएगा, कितनी बार कट जाएगा? 21 बार। 21 आ गया, निकालना किसका है? अमन का। 117 बराबर 21 × 117
इक्कीस सत्ते 147, 7, 21 एकम 21 और 14 35, 5 हासिल, 3 21 एकम 21 और 3 24। ठीक है भाई, ये आ गया आंसर। हो गया भाई, ठीक है। देखो भाई अगला सवाल, ए तथा बी दो अचर बिंदु हैं, जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तथा सी रेखाखंड एबी पर एक ऐसा बिंदु है कि एसी बराबर 3 सेंटीमीटर है। यदि एसी की लंबाई में 6% की वृद्धि की जाए तो सीबी की लंबाई में कितनी कमी हो जाएगी। ये देखो, ये कोई एबी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 5, एबी की लंबाई 5 दे रखी है। एबी पर एक ऐसा बिंदु है कि एसी बराबर 6, तो मतलब सी मैंने मान लिया जिससे गए, तो एसी बराबर 3 हो गया, तो ये कितना बचा यहां से यहां तक, 2 बचा, 5 में से 3 गए तो 2। ठीक है भाई, अब देखो एसी की लंबाई में 6% की वृद्धि की जाएगी, इसमें 6% की वृद्धि की जाएगी तो कितने की वृद्धि होगी, 6.18 की, अंतर एसी की वजह से आएगा। 6% की वृद्धि की जाए तो सीबी की लंबाई में कितनी कमी हो जाएगी, कमी कितनी होगी 2 में से, 0.18 की वजह से कमी होगी, तो बस बटे 2 इंटू 100, 2 से 0.09 कितना आ गया 9% हो गया। ये 0.18 आया, इनका अंतर आएगा यहां पे बढ़ेगी तो इतनी इसमें से घटेगी, जब इसमें से घटेगी तो कमी किसमें आएगी, इस वाले में आएगी, तो बस बटे में रख दिया भाई। ठीक है भाई, आगे समझ में, चलो देखो भाई, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के तथा 20% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है, ये बताना है। ठीक है, देखो बॉय गर्ल, बॉय कितने, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है 3:2, ठीक, तो टोटल कितने हो गए 5 हो गए। उसने पूछा है वयस्क नहीं है, यदि 30% लड़के वयस्क हैं तो वयस्क कितने नहीं है 70%, तो लड़के 70%, 70 का गुणा करा दो, तथा 20% लड़कियां वयस्क हैं तो कितनी नहीं है 80 नहीं है, तो बस 7×21 210, 8×2 16 160, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 370। टोटल पूछा कितने परसेंट छात्र, तो टोटल कितने हैं 5, 5 से लगा दो भाग, 5×7=35, 5×20 कितने परसेंट हो गया आंसर। ठीक है भाई, आ गया। देखो भाई अगला, ऐसे ही ऐसे करो जैसे अभी बताया वैसा ही सेम टू सेम। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है, ये बताना है। ठीक है भाई, देखो जैसे अभी किया था वैसे ही, बॉयज गर्ल्स और टोटल कितना है 4:1, टोटल कितना हो गया 5, नहीं लगा है वयस्क नहीं है, जब पूछा है 75% लड़के हैं तो कितने नहीं है 25 नहीं है। ठीक है भाई, आगे 70% लड़कियां हैं तो कितनी नहीं है 30, बस 100 ये हो गया, ये कितना हो गया 30, कितना हो गया टोटल जोड़ के 130, टोटल में बताना 5 से भाग लगा दो कितना आ गया 26 हो गया साहब। आया समझ में, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।
देखो भाई अगला सवाल, एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल रही हो तो असफल छात्राओं का प्रतिशत क्या करो, ये बताना है। तरीका वही है जैसे अभी बताया था, ठीक है भाई। देखो बॉय गर्ल अजय टोटल, लड़के कितने 640, लड़कियां 360, टोटल कितने हुए 1000, ठीक। पहले इन्हें काट लो, 0 0 0, काटते क्यों, आसान करने के लिए, जिससे रेशियो बन जाएगा उससे हमें आसानी हो जाएगी। देखो 4 से चला जाएगा, 4 से 16 बार, 4 से 9 बार, 4 से 25 बार। देखो यदि 60% लड़के तो असफल कितने होंगे 40%, ठीक, गुणा करा दो। 80% लड़कियां सफल है तो असफल कितनी होंगी 20%, बस यही निकालना है। 16 गुणा 4 640, 9 दूनी 18 180, 64 80 कितने हुए 0, 8 4 12 2, 820 बटे कितना है 25, 25 से भाग रहा हूं, जब आप 25 दिया 75, कितने बचे 7, अब 70 हो गया, 70 में 25 से भाग लो, 25 दूनी 50, ठीक है, बचे कितने 20, 20 बटे 25, अगर 25 से भाग लाएंगे तो कितना आ जाएगा 32.8, पॉइंट लगाने में 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, और एक बन जाएगा ऐसे दूसरा 32 सही। देखो 5 से 4 बार 5 से 5 बार 32 सही, 4 बटे 5, ऑप्शन में कोई सा भी मिल सकता है, ये देखना है आपको, ठीक है भाई। आगे समझ में अच्छे से, तो चलो देखो भाई, एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से असफल हो गया तथा दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए और उसे उत्तीर्ण अंक से 6 अंक अधिक प्राप्त हुए तो अधिकतम अंक क्या है, तो भाई ये बताओ कि अधिकतम अंक कितने होंगे, 100% टोटल 100% होंगे। तो इसके कहने का मतलब है कि एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 6 अंकों से फेल हो गया तथा दूसरे विद्यार्थी को 40% अंक मिले लेकिन जो पास वाला नंबर था उससे 6 अंक उसे अधिक मिले, ठीक है भाई। देखो जब भी अधिक अधिक की प्लस और माइनस आएगा, जैसे उसे मिले 6 अंकों से फेल हो गया और दूसरे को 6 अंक अधिक मिले तो दोनों को जुड़ जाएंगे 10 और 12 हो जाएंगे, ठीक है भाई। कैसे ये बता दो, देखो 30% अंक मिले, इसे मिले भाई 30% अंक, ठीक है, कितने नंबर से फेल हुआ 6 से हो गया फेल, माइनस लग गया, बराबर दूसरे को कितने मिले 40%, कितने अंक अधिक मिले 6 प्लस 6, तो देखो परसेंटेज में अंतर कितने का है 10 का, ये इधर आएगा तो 10 आएगा, ये इधर जाएगा तो कितने आएगा 6, इधर चले जाएंगे तो 12 हो जाएंगे, 10 बराबर 12, टोटल अंक कितने होते हैं 100%, तो इसमें मैं 1 0 बढ़ा दूं तो 1 0 यहां पर भी बढ़ा दो, बस हो गया आंसर, ठीक है भाई। आया समझ में अच्छे से, तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो भाई सवाल वही है, तो सबसे परसेंटेज और संख्या चेंज हो गई है, सवाल वही है। देखो एक छात्र को एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से असफल हो गया, मतलब फेल हो गया। दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए और उसे उत्तीर्ण अंक से 35 अंक अधिक प्राप्त हुए, अधिकतम अंक
ज्ञात करने हैं। ठीक है भाई, देखो अगर डायरेक्ट करना है तो देखो 40 और 15 अंतर कितने का, 15 का 25 में और 40 में, और यहाँ पे 40 कितने प्राप्त हुए ने अंकों से असफल हो गए, मतलब कम प्राप्त हुए, यहाँ पे अधिक 35 और 40 75, 15 बराबर 75, 1 बराबर 5, 100 बराबर 500, सीधा हो जाएगा। लेकिन इसे करके देखते हैं, 25% कितने मिले, 40 नंबर से फेल हो गया, दूसरे को 40% मिले लेकिन उसे अधिकतम कितने मिले, 35। ठीक है भाई, तो बस परसेंटेज में अंतर 15 का, इन दोनों को जोड़ दो क्योंकि प्लस माइनस है, कितना आ जाएगा 75, 1 बराबर 5, 100 बराबर 500 हो गया। ठीक है भाई, आ गया समझ में, चलो देखो भाई अगला। एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 35% अंक प्राप्त करने हैं, यदि उसे 260 अंक प्राप्त होते हैं तो वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो अधिकतम अंक ज्ञात करें, ये बताना है। तो देखो 35% अंक पे पास होते हैं, जैसे 33% पे हमारे यहाँ होते हैं पास, 100 में से 33 जाओ तो पास, ऐसे 35% पे पास है भाई। यदि उसे 260 अंक मिले लेकिन वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर उसे 20 अंक और मिल जाए तो वह पास हो जाएगा, तो पासिंग मार्क्स कितने आए, 260 में 20 जोड़ दो कितने हो गए, 280, किसके बराबर, 35% लाएगा तभी तो 280 बैठेंगे, तो काट दो कितनी बार, 1 बराबर 8, 8 बार ही कटेगा, 35 दूनी 70, 7 चौक 28, 8 बार, 1 बराबर 8, टोटल 100% कितना हो गया, 800। ठीक है भाई, आ गया समझ में, देखो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो।